हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने घर पे। तो स्किन लाइटनिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स आने लगे हैं, इसके स्किन लाइटनिंग फेशियल होने लगा है। लोग हज़ारों तरह के क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, पर क्यों? हमें क्यों केमिकल्स पे जाना है? हमें क्यों फॉरेन कंपनीज से लेना है जब हमारे घर के अंदर हमें सारा सामान मिल सकता है? तो हाँ, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ होम रेमेडी फॉर स्किन लाइटनिंग। आप अपने जो भी डल स्किन हो रहे हैं, जो भी डेड सेल्स आपके स्किन पे हो रहे हैं जिससे आपका रंग मुरझाया जा रहा है, उसके लिए हम आज ही रेमेडी यूज करेंगे। और ट्रस्ट मी, ये इतनी इफेक्टिव है कि आप इंस्टेंट रिजल्ट देख पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके गाइस, अगर मैं आपसे स्किन डल होने की बात करूँ, देखो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपकी स्किन डल हो रही है। एक मेन रीजन हो सकता है सनलाइट के कारण, सेकंड मेन रीजन हो सकता है पॉल्यूशन के कारण, थर्ड मेन रीजन हो सकता है आप आपके स्किन पे बिल्कुल भी अच्छा मॉइस्चराइजेशन उसका नहीं कर रहे, आप उस पर अच्छे मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे, आपके अंदर विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी है तो आपका मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, उसके कारण आपकी स्किन डार्कनिंग हो सकती है। स्किन डार्कनिंग के बहुत सारे ही रीजंस हो सकते हैं, बट आज कोई भी रीजन हो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक होम रेमेडी बताऊंगी जिसके अंदर ये सारे फायदे होने वाले हैं और जिससे आपकी डेफिनेटली श्योरली स्किन लाइटनिंग होगी, आपका कलर इससे लाइट होगा। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे प्रोसेस की तरफ। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस में आपको चाहिए, एक कटोरी में आपको लेना है 3 चम्मच दही और उसमें सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच हम डालेंगे कॉफी। कॉफी पाउडर और दही को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि उससे अपना कैसा प्रोडक्ट रेडी होने वाला है। ओके गाइस, तो प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको प्रोसेस अच्छी तरीके से दिखा दी थी कि दही के अंदर मैंने कॉफी मिक्स करके कुछ इस तरीके का लाइट ब्राउन शेड का एक पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को अपन फेस पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, कर्ड के अंदर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो लैक्टिक एसिड ऑलरेडी नेचुरल क्लिंजर की तरह हमारे फेस पे काम करता है। इट इवन एक्सफोलिएट अवर स्किन। कर्ड के अंदर एक माइल्ड ब्लीचिंग इफेक्ट्स होता है जो हमारी स्किन को लाइट करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है और सारे स्कार्स और जितने भी ब्लेमिशेज हैं हमारे फेस पे उनको हटा देता है। कॉफ़ी के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो जेंटली रिमूव करती है डेड स्किन को, यह हमारे ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन को निखार के लाती है और सारी इम्प्यूरिटीज़ और डेड स्किन लेयर्स को हटा देती है। सो बोथ आर वेरी बेनिफिशियल फॉर स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग एंड रिमूव डेड सेल एज वेल फ्रॉम आर स्किन। ओके, तो मैंने अच्छे से दही लगा लिया। अब हमें अच्छी तरीके से कम 2 से 3 मिनट मसाज करनी है अपने फेस की। सर्कुलर मोशन में अच्छी तरीके से मसाज करिए, अपनी नेक को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो मैं अच्छी तरीके से मसाज करनी है 2 से 3 मिनट अपने फेस पे। ओके गाइस, अब 2 मिनट मसाज करने, अच्छी तरीके से मसाज कर लिया अपने फेस की। अब उसके बाद देखो आपको 30 मिनट्स वेट करना है, 20 से 30 मिनट्स आप वेट करो, इसको सूखने दो अपने फेस पर अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ 30 मिनट्स बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके गाइस, तो 30 मिनट्स बाद मैं वापस आ गई, मैंने 30 मिनट तक इसको सुखाया है ना। अब आपको इसको वॉश कर लेना है क्लीन वाटर से, आप इसको जाइए और वॉश करिए, तो मैं वॉश करके आती हूँ। मैं क्या बोलूँ, देखो 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 अपने आप खुद ही देखो, है ना, एकदम से रिजल्ट आया। और ये तो सिर्फ मैंने फर्स्ट टाइम अभी इसको ट्राई करा, फर्स्ट टाइम। आपको तो अगर आप वीक में इसको 2 बार करेंगे तो आपको अपने आप रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। ट्रस्ट मी, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी रेमेडी है, कुछ भी नहीं है। दही देखो रोज़ घर में रहता है, कॉफ़ी भी रोज़ घर में रहती है, दोनों को मिक्स करना, लगा लेना अपने फेस पे, बैठे रहना, कुछ काम कर लेना और फिर वॉश कर लेना। मतलब इतना ईजी रेमेडी है और फ़र्क आप खुद देखो। नुकसान तो कुछ है नहीं, फ़ायदा तो होगा ऑब्वियसली बात है, बट नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। सो मस्ट ट्राई। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा होम रेमेडीज़ लाऊं आपके लिए, इजी बिल्कुल इजी रेमेडीज़ है। कुछ मैं आपसे बाजार से नहीं मंगाऊंगी कि इसका पाउडर मिलाओ, उसका पाउडर मिलाओ, ये मिट्टी मिलाओ, नहीं। नॉर्मल सा हम सिर्फ घर के प्रोडक्ट से हमारा बिल्कुल रेमेडी करते हैं, बस यही खासियत है। और सुनो, अगर आप चाहते हो कि मैं और रेमेडीज़ बनाऊँ और आपके लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लाऊँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करके जाना। इस वीडियो पर 25 लाइक्स तो बिल्कुल बनते हैं, ठीक है? तो 25 लाइक्स करना, जल्दी से कंप्लीट करना, फिर मैं पक्का नेक्स्ट रेमेडी लेके आऊंगी, बहुत मस्त वाली, और मजा आ जाएगा उस रेमेडी को देख के। ठीक है,
और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना फॉर मोर सच आइडियाज, और तब तक के लिए ध्यान रखना।